देश में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन राहत भरी खबर यह भी है कि पॉजिटिव मरीजों में से 2455 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। लेकिन अब प्रदेश में बाहर के राज्यों से आने वाले व्यक्तियों से पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने की चिंता बढ़ती नजर आ रही है, जिसको लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश से आने वाले 19 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और अब उनकी आवाजाही शुरू हो चुकी है। उनमें से पॉजिटिव मरीज भी निकल कर सामने आ रहे हैं। ऐसे में बाहर से आने वालों को क्वारंटाइन में रखने की आवश्यकता है, जिसको लेकर प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि बाहर से आने वालों की स्क्रीनिंग हो और गाइडलाइन के मुताबिक क्वारंटाइन किया जाए। मैं कोरोना महामारी को लेके हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी जिस संवेदनशील तरीके से पिछले 2 महीने से काम कर रहे हैं और जिस तरह से राजस्थान को हमने सुरक्षित रखा है उनके नेतृत्व में, एक एक चीज को बारीकी से खुद देखते हैं। पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी भी है और पॉजिटिव की रिकवरी भी हमारी देश में सबसे बढ़िया है। टेस्टिंग फैसिलिटी 12,000 पार कर गई, अभी आने वाले समय तक 25,000 टेस्ट पर डे कर लेंगे हम। सैंपल भी हमने 1,85,000 लिए। इन सब बातों के बावजूद अब जो आने वाला समय है वो राजस्थान के लिए खास होगा, क्योंकि 19 लाख लोगों ने, जिनमें से 6-6.5 लाख यहां से जाने के लिए और बाकी लोग यहां प्रदेश में आने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें अप्रवासी राजस्थानी हैं, श्रमिक हैं जो माइग्रेट लेबर है, या जो लोग दूसरे राज्यों में अटक गए थे लॉकडाउन की वजह से, अब उन लोगों का आना शुरू हो गया कुछ समय से। वो अलग अलग गांव में जाएंगे, अलग अलग मोहल्लों में जाएंगे। अब चिकित्सा विभाग का टोटल फोकस राजस्थान में कैसे क्वारंटाइन फैसिलिटीज मजबूत हो, राज्य में आने वाला हर व्यक्ति जो बाहर के राज्यों से प्रवेश कर रहा है राजस्थान में उसका स्वागत है, लेकिन उसको आवश्यक रूप से 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ के लोग जो पिछले 50 दिन से लॉकडाउन में हैं, अपने आप को बचा के रखे हुए हैं, उन लोगों को भी संक्रमण नहीं पहुंचे। और वो जो बाहर से आ रहे हैं, अगर उनके, अगर मान लो 14 दिन के पीरियड में वो संक्रमित नहीं है तो भी उनका ये पीरियड निकल जाएगा। ऐसी परिस्थिति में राजस्थान में आज मुख्यमंत्री जी पूरे राजस्थान के जिला प्रशासन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्वारंटाइन की फैसिलिटीज को चाक चौबंद करने को सुनिश्चित कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से भी मेरा आग्रह है, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, जिला प्रमुख हो, प्रधान हो, मेयर हो, चेयरमैन हो नगर पालिकाओं के, या सरपंच हो या वार्ड पंच हो, अपने अपने गांव में, अपने अपने वार्ड में, अपने अपने शहर में आप इस बात को सुनिश्चित करो कि पर्याप्त क्वारंटाइन की सुविधाएं प्रशासन के साथ मिलके डेवलप हो सके आने वाले समय में, चाहे सरकारी क्वारंटाइन हो। और जिनको भी होम क्वारंटाइन की सलाह हमारा विभाग, चिकित्सा विभाग दे रहा है, क्योंकि आवश्यक रूप से चाहे तो आप होम क्वारंटाइन में रहो चाहे सरकारी क्वारंटाइन में रहो, 14 दिन का पीरियड तो आपको आइसोलेशन में निकालना ही होगा। ये राज्य के भले के लिए, यहाँ की जनता के भले के लिए।